जी नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और आपका अपने चैनल रेखा गुजर फैमिली ब्लॉग चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से करते रहिए। सच में ही जितना सपोर्ट कर रहे हो, लाजवाब कर रहे हो। आपके बगैर मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगी। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखा करें। वॉच टाइम तभी बढ़ेगा जब आप लोग वीडियो देखोगे, और वीडियो देखने के बाद ही सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं आगे जा पाऊंगी। इसलिए मुझे सपोर्ट करें इससे भी ज़्यादा, और शेयर करें। वीडियो रुकना नहीं चाहिए। अगर मैं गलत नहीं कर रही हूँ कुछ, तो वीडियो नहीं रुकना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं यूट्यूब पर आकर गलत नहीं कर रही हूँ, तो वीडियो मत रुकने दो, चलने दो, और वीडियो पूरा देखो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। सच में लाजवाब कर रहे हो। जितना आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इतना ही वीडियो देखना भी ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर करें। चलिए कर लेते हैं अब काम। आप लोगों को कुछ गलत लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप बताओगे नहीं तो मैं कमी के सुधारूंगी कैसे? जैसे किसी ने मुझे बताया कि आपकी वीडियो में ना शोर बहुत मस्त है, क्योंकि हमारे ट्रैफिक बहुत है बाहर, तो उस वजह से उसकी मैंने तब ही जिस दिन बोला था उसी दिन मैंने वो कमी सुधार ली थी अपनी। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो भी बनेगा आज। काम हो गया था शुरू। ये देखना जाली कितनी गंदी हो रखी है। ये जाली साफ कर लेंगे आज, किचन साफ कर लेंगे पूरी तरह से तो नहीं, हाँ अभी कल करूँगी पूरी तरह से किचन साफ, क्योंकि नवरात्रे आ गए हैं। तो आज ये जाली और गैस साफ कर लिए थे, अच्छी तरह बांध लिए थे। और जाली के लिए मैंने यूज किया था सोडा और नमक, सॉरी सॉरी सोडा और नींबू, मैं क्या बोलती, तो सोडा और नींबू। वो डिलीट हो गया था मेरे से वीडियो, बनाया था लेकिन बना नहीं था वो, डिलीट क्या बना ही नहीं था, मैंने सोचा बन गया है तो इसे अच्छी तरह से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, जाली है, ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, आराम से। ये किचन की तो इसमें बड़ी गंद जम जाती है, जल्दी जल्दी साफ़ करते रहो तो साफ़ ही रहती है। वैसे तो ये 8-9 साल पुरानी हो गई तो, पर हाँ साफ़ करो तो साफ़ हो जाती है अच्छे से। अभी तो आपको ऐसे भी गंदी लगेगी क्योंकि गीली थी ये, गीला कपड़ा मारा था मैंने। ज़्यादा गंदी हो तो दिवाली पे तो मैं हमेशा पानी से ही धोती हूँ एक बार, तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना था तो इसलिए। और ये देखना ऊपर ये पानी है, वैसे साफ़ हो गई थी बिल्कुल, ये पानी दिख रहा है ऊपर, ये देखो पानी है ये, इस पे जाली पे बड़ी साफ़ हो गई थी। और अब बना लेंगे खाना। क्या बनेगा? जाली साफ़ करके मैंने पूरी किचन साफ़ करी थी जब बनाया था खाना, तो अब आ गई थी मैं खाना बनाने। पूरी रसोई का साफ़ करके ये सारा ही धोया था रसोई में, गैस वैस सारी रसोई धोई थी। तो अब ये आटा था, आटा छान लिया था मैंने, और इसमें सूजी मिला ली थी, सूजी सॉरी दिखाया नहीं, दिखा दिया था आपको, सूजी डाल ली थी 2 चम्मच, और इसमें घी डाल लिया था 2 चम्मच ही। जब ये ऐसे मिक्स करके लड्डू सा बनने लगे तो इसमें पानी डाल लिया था, सोडा नहीं डाल रही हूँ मैं आजकल, गोलगप्पे बनाने हैं ऐसे ही बहुत अच्छे बनते हैं बगैर सोडे के ही। तो मैंने लगाने लगी थी यहाँ उसके लिए आटा, आटा मुझसे ज़्यादा लग गया था, बाकी मैंने रख दिया था उठा के। तो ये मैंने रख दिया कुछ देर के लिए, और ये पुदीना और धनिया था वो मैंने पीस लिया था, ये चटनी है पुदीना और धनिया की। और ये पानी बना लेंगे उसके लिए, गोलगप्पे के लिए, जब तक आटा होता है सही सही। पहले जलजीरा डाल लिया था, फिर धनिया और उसका जो पेस्ट बनाया था वो डाल लिया था, फिर नींबू डाल लिया, फिर नमक डाल लूँगी। ऐसे ही बड़े अच्छे से बहुत अच्छा लगता है खाने में, और कोई नुकसान भी नहीं देता, सबसे अच्छी बात ये है, सब चीज़ अच्छी है इसमें, पुदीना भी नुकसान नहीं देता, और धनिया है और 2 मिर्चा, और ये मैंने डाल ली थी इसमें बूंदी, और खाने में भी अच्छा लगता है।
बाहर के कभी खाओ तो मसाला और अजीब सी फीलिंग होती है उसे खा के। ये बनाने लगी थी मैं गोलगप्पे, गोलगप्पे के लिए तैयारी करने लगी थी ये अच्छे से इस पे, क्योंकि साफ था ये, यही मैंने बेल लिया था। अगर बेलन पे बेलती तो बिलता भी नहीं, और वैसे मैं बेलन यूज भी नहीं करती हूँ, यही साफ कर लेती हूँ। और यही ये देखो काट लिए थे फिर मैंने इससे, छोटी गिलासी से बड़े आराम से बन जाते हैं। इन चीज़ों में टाइम तो लगता ही है, आपको तो फिर भी अलग थोड़ा थोड़ा दिखाया है, नहीं तो टाइम तो लगता ही है। तो इसमें फिर सारी मैंने बना ली थी, पहले पूरी थाली भर ली थी, उसके बाद उतारी थी आपके लिए, तो थोड़ी सी शेयर की थी। थाली भरने के बाद, फिर बनाने के बाद, फिर मैंने कढ़ाई पे ये उतार लिए थे आराम से। और आप भी घर पे ही बनाएं, बाहर से तो अब बीमारियां और सस्ती भी पड़ती हैं। अगर यहाँ से बाहर से गोलगप्पे खाओ तो 10 रुपए के दो गोलगप्पे। अब इसमें देखना आप खर्चा क्या लगना है, कुछ नहीं। सूजी भी घर पे रखी थी, होती है सबके घरों में, आटा था और इसमें घी डाल लिया था देसी, और बस वही सब था। आपने देखा ही है, कुछ दो आलू उबाल लिए थे मैंने, वो काट लिए थे, एक प्याज काट ली थी इसमें भरने के लिए। इसी तरह से उतार लूँगी इन्हें सब, बहुत अच्छे बनते हैं। और चाहो तो पानी पूरी की चाट भी बना सकते हो, खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखना आप लोग भी, ये पापड़ी बन गई थी, और पापड़ी की भी हमने चाट बना ली थी, छोड़ा हमने इसे भी नहीं था, इसलिए ये देखिए। प्रेस करने की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ रही थी कि फुलाने, अपने आप ही फूल रहे थे। ये आलू है, दो आलू थे, एक प्याज काट ली थी मैंने, और इसमें पेस्ट डाल लिया था हरी मिर्च का और पुदीने का और धनिया का, और चाट मसाला डाल लिया था पानी पूरी के लिए। हो गई थी पानी पूरी तैयार। ये दीशु जी बना रहे हैं गोलगप्पे, खाने की तैयारी हो रही है। डाल ली इसमें सॉल्ट, सॉल्ट ये उसी दिन की रखी हुई थी, ये तो हो जाती है, स्टोर भी करके रख सकते हो इसे, तो उस दिन बनाई थी। ये देखिए, खा के बताइए आप भी कैसी लगी, ज़रूर बताना, ज़रूर खाने के बाद बना के खाना, फिर कमेंट करना और मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि कैसी बनी है। हमें तो अच्छी लगी थी, आप लोगों को कैसी लगी? और खा लीजिए, हो गया है सब कुछ तैयार। और यहीं बना ली थी हमने चाट, मैंने नहीं, सॉरी हिमांशी ने चाट बनाई थी, सच में बहुत टेस्टी लगी थी चाय चाट। आप देखना अभी चाट दिखाई जाएगी, ये गोलगप्पे आपको खिला रहा है दीशु। और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मैं किचन में ही अच्छी लगती हूँ? अगर आपको किचन में अच्छी लगती हूँ, किचन का ही दिखाया करूँगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए नमस्ते जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।